canale rondo, ma tolgo anche io poi. हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सब कैसे हो? आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। ये देखिए व्यू। हेलो कर दो बेटा, नमस्ते कर दो, सभी को नमस्ते कर दो, जय कर दो बेटा, जय। हाय भी कर दो, हेलो हाय कर दो, हाथ हिलाओ। ऐसे है नहीं, उल्टा कर रहे बेटा आप। सुल्टा करो। या वेरी गुड। थोड़ा शाम का टाइम है तो हम थोड़ा घूमने के लिए बाहर निकले हुए। व्यू बार बार बाहर निकल के आ रहा था तो मैंने सोचा इसको थोड़ा घुमा के ले आता हूँ। तो आज का ब्लॉग मेरा इस तरीके से रहने वाला है कि आज थोड़ा मौसम बहुत ठंडा हो रहा है। आज मैंने अपने ड्यूटी पे वापस जाना था हरिद्वार, तो मैं जा नहीं पाया क्योंकि सुबह के टाइम पर बर्फ़ गिर रही थी बहुत ज़्यादा, रोड वगैरह बंद हो रखे हैं, तो इसी वजह से मैं गया नहीं। तो थोड़ा व्यू के साथ मैं बाहर निकला हुआ हूँ, तो आप लोग भी वीडियो में बने रहें। गाइस, आज हम जो है पुलाव बना रहे हैं। अभी जो है लंच 1 बजे बन रहा है, 1 बज गया है और अब हम बना रहे हैं लंच। अभी तक हमने बनाई रील्स, आप हमारे इंस्टाग्राम पे और जो है यूट्यूब पे हमारी शॉर्ट वीडियो ज़रूर चेकआउट करें। अब हम जो है पुलाव बनाएंगे, सिंपल पुलाव। उज्ज्वल जी आप भी बोलो कुछ। बोलो। मैंने बना कुछ ना। अब हम इसमें डालेंगे नमक 2 चम्मच भर के, हल्दी, मसाला। आज जो है हम लंच में जो है पुलाव बना रहे हैं सिंपल से, क्योंकि आज हमने दाल चावल नहीं बनाया तो हमने कहा आज ठंड बहुत हो रही है तो आज पुलाव बनाएंगे। थोड़ी देर से ढक देते हैं। मौसम देखो कैसा हो रहा है, अभी तो धूप लगी है। सुबह जो है बहुत खराब हो रखा था मौसम। अभी तो हल्की हल्की धूप लगी है लेकिन सुबह जो है बिल्कुल बर्फ पड़ने लगी थी और मौसम में जो है बहुत सारे बादल आ गए हैं। अब जो है हम इसमें चावल डाल देंगे। वैसे आप अपनी मर्जी से, आपके पास जो वेजिटेबल हो उससे उसको भी डाल सकते हैं आप पुलाव में, उससे जो है पुलाव हेल्दी बनता है वेजिटेबल डाल के। हमारे पास कोई भी वेजिटेबल अवेलेबल नहीं है तो हम सिंपल सा पुलाव बना रहे हैं। पुलाव में जो है हम गरम गरम पानी डालेंगे। अब जो है पुलाव फ्लेम ऑफ कर देंगे, अब पुलाव पका नहीं है, इसे हमें अभी हीटर पर लगाना है। हीटर पर लगाएंगे अब तब आराम से पकता रहेगा ये गरम पानी में। बैंगन डाल दो पुलाव में। बैंगन कौन डालता है पुलाव में, पागल हो गए हो क्या?
अब इसको बंद कर इसको देखेंगे 10-15 मिनट बाद आएगा, जब पुलाव बन जाएगा तब आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए शटर डाउन। पीछे कैसे सूख गए ये कपड़े, पूरी तो छाया ही छाया हो रखी है, कल के कितने सारे कपड़े धो रखे थे, वो उधर भी कपड़े कपड़े बहुत सारे कपड़े धो रखे गाइस हमने कल के, और धूप लगी अब तो और सब वाड़म गए हुए हैं। कहाँ गए हुए? वाड़म। हाँ वाड़म शाम को जाएंगे ना। अभी नहीं तो है स्लैब टालना ले रहा दो मत थोल को दिया बहुत यो नहीं टालू हो फ्रेज और रुला के नहीं टाल दे ऐसे ले तो ऊपर और रुला के नहीं लोग देख दे इंसान ने लिखा कर दे लिए माय दे दो पत्थरा पत्थर लोटी को कोनो मुंड पबा जती हूं रोता बेकार ही देता ये भी कोई रूट लगी हो जो हिमाचल के लोग हैं वो उन्हें पता होगा कि मैं क्या बोल रही हूँ, मेरे हस्बैंड को भी समझ नहीं आ रहा है कि मैं बोल क्या रही हूँ, पहाड़ियों के लिए भी थोड़ा बहुत होना चाहिए ना। शटर डाउन अभी धूप लग रही है सो हम लोग जो है धूप सेक रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं हम धूप सेक रहे हैं, मटर पलाव तो बन ही रहा है हमारा, अब उसको चटकाएंगे थोड़ी देर में। देखते हैं तो क्या एक खूबसूरत से नजारे के साथ एक खूबसूरत चेहरा जो आपको नजर आ रहा है वो है मेरे, क्या बताना अब रोज रोज, क्या बताना अब रोज रोज, आपको तो पता ही है कौन है, क्या इंट्रोड्यूस कराना इनको। व्यू के पापा को तो यहाँ पे जो है बहुत ठंड लग रही है क्योंकि बर्फ जो है बहुत ज्यादा पड़ गई थी, सुबह ऊपर ऊपर बहुत ज्यादा बर्फ पड़ गई थी और जो है यहाँ नीचे जो है ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, सो विहान के पापा थर 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 कांप रहे हैं। अभी जो है धूप लगी है सो हम धूप सेक रहे हैं, उधर से मेरी मम्मा भी आ रही है गाय को घास पानी देके, एक एक से एक के ऊपर हो गया है टाइम, और अभी जो है हम धूप सेक रहे हैं, थोड़ी देर में हम लंच करेंगे, अभी हमने लंच में जो है पुलाव बना रखा है, वो जो है हमने हीटर पे रख रखा है पकने के लिए, सो मौसम तो आज ऐसे ही है, कभी धूप आ रही है कभी छाव, अभी देखो अभी धूप थी अभी छाव आ गई। विहान के पापा बोल रहे कि तुम्हारे प्रेशर कुकर की सीटी निकल गई है, देखते हैं कहाँ निकली, हीटर क्यों नहीं चल रहा है, ऐसे बोलो ना फ्लेम निकल रही है, आप बोल रहे हो सीटी निकल रही है पागल हो गया, ये हीटर क्यों नहीं चल रहा यार, हीटर वहां से हिल रखा हुआ खराब हो गया, ये देखिए गाइस इसमें जो है काम है, इसमें फ्लेम फ्लेम नहीं बन रही है, तो व्यू के पापा बोल रहे हैं सीटी निकल रही है, जिसने कभी खाना नहीं बनाया तो उसने ऐसे ही तो बोलना है, वो ये हीटर खराब हो गया क्यों, देखो यहाँ कैसे वो चल रहा है, अरे वो उसकी रॉड टूट रखी है ना एक तब, हाथ में जो है खुजली हो रही है, शायद पैसे मिलने वाला है, ये हिल रहा है यहाँ से,
गाइज मैं आपको अपने नाखून दिखाऊं, थोड़े थोड़े लंबे हो गए हैं। मेरे नाखून पहले बहुत लंबे थे, अब मैं व्यू को नलाते वक्त ये व्यू को लग जाते हैं, इसलिए मैं लंबे नाखून नहीं रखती हूँ, इसलिए मैं नाखून काट देती हूँ। थोड़े थोड़े लंबे हो गए हैं, मुझे भी लंबे नाखून अच्छे लगते हैं, ये देख सकते हैं आप, अब अच्छे दिख रहे हैं नाखून। लाओ यार, कौन मुझे नहीं।